नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के गुमला में नक्सली जहां लगाते थे जनअदालत, वहां पुलिस ग्रामीणों के साथ की बैठक। गुमला चैनपुर प्रखंड के घोर नक्सल प्रभावित सिविल गांव की मंगलवार को बदला सा फिजा था। सिविल गांव के जिस स्थान पर भाकपा माओवादी के नक्सली जनअदालत लगाते थे और अपना फरमान सुनाते थे, उसी स्थान पर गुमला पुलिस व CRPF 218 बटालियन ने ग्रामीणों के साथ बैठक की। कल तक जो ग्रामीण पुलिस व CRPF को देखकर घरों में छिप जाते थे, आज उस गाँव के लोग पुलिस से सीधे मुखातिब थे। ग्रामीणों को सुरक्षा का भरोसा। ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को खुलकर SP डॉक्टर एहतेशाम बकारीब व CRPF 218 बटालियन के कमांडेंट अनिल मिंचन के समक्ष रखा। अधिकारियों ने ग्रामीणों को सुरक्षा का भरोसा दिया, साथ ही नक्सलियों को संरक्षण नहीं देने व किसी प्रकार की भी सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की, जिससे गाँव में नक्सली घुसे तो पुलिस उसे मुठभेड़ में मार सके या खदेड़ सके। सिविक एक्शन प्लान के तहत गरीब परिवारों को मिली मदद। ग्रामीणों का दुख दर्द सुनने के बाद अधिकारियों ने सिविल गांव में सिविल एक्शन प्लान के तहत आयोजित कार्यक्रम में कई गरीब परिवार की मदद की। अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों के बीच ज़रूरत की सामग्री का वितरण किया गया, वहीं मेडिकल शिविर लगाकर ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच कर निशुल्क दवा का वितरण किया गया। जरूरतमंदों के बीच कंबल, धोती, साड़ी, रेडियो, मच्छरदानी, स्कूल बैग, सोलर लैंप, कंबल का वितरण किया। गुमला से राजन पांडे की रिपोर्ट। ये सिविल गाँव है, कुरुंगड़ थाना और गुमला जिला का एक बहुत ही एक नोटोरियस विलेज था। एक तरीके से कहिए एक लिबरेटेड जोन था माओवादियों का। और हमें याद है कि 2020 में हम यहाँ आए थे एक सिविक एक्शन प्रोग्राम लेकर के, तो उस समय बहुत ही मुश्किल से 40-50 लोग इकट्ठे हुए थे, बूढ़े लोग, और हम जितना सामान ले कर आए थे उतना बांट भी नहीं पाए थे। और आज 2022 का ये फरवरी महीना है, एक साल में जो चेंजेस देख रहे हैं यहाँ पर, हजारों की संख्या में गांववासी, आसपास के भी दूर दूर तक, डुमरी तक के जो यहाँ के गांववासी है वो लोग आ गए, कुरुंगड़ तक के लोग आ गए हैं और अभी भी आते ही जा रहे हैं। तो ये एक बदलाव आया है, उसका मुख्य जो कारण ये है कि ये एरिया जो कभी माओवादियों का गढ़ हुआ करता था और पुलिस भी इस एरिया में सिर्फ ऑपरेशन के लिए आती थी, आज एक सिविक एक्शन प्रोग्राम जो हम लोगों का चलता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का, वो चला रहे हैं यहाँ की स्टेट पुलिस के साथ मिल करके। तो इसका मुख्य हमारा जो उद्देश्य है कि एक जो चेंजेस आया है, बदलाव आया है यहाँ के लोगों में और यहाँ की परिस्थिति में, इसको हम आगे बढ़ाएं। हम चाहते हैं कि यहाँ सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनी रहे हर तरीके से, ताकि यहाँ के लोगों का विकास हो। तो आज हम लोग एक जब इकट्ठे हुए हैं, हम लोगों ने यहाँ के बच्चों के साथ, बूढ़ी महिलाओं के साथ हमने डांस किया, उनके साथ अभी हम लोग जो भी एक 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 हम लोगों ने मुफ्त चिकित्सा शिविर लगाया है, वो भी इसमें भी इनका इलाज करेंगे। उसके बाद एक सामूहिक भोज का आयोजन किया गया है, हम इसके साथ बैठ करके खाना खाएंगे और बाद में अंत में हम इनको हर कोई को कुछ ना कुछ सामान, इनके घरेलू सामान जैसे कि बकेट्स हुए, जैसे कि इनका यूटेंसिल हुआ खाना बनाने का, मच्छरदानी हुआ, अच्छी क्वालिटी का कंबल बच्चों के लिए, स्कूल बैग स्टूडेंट्स के लिए, खिलाड़ियों के लिए फुटबॉल और जर्सी, और सोलर लैंप, यहाँ लाइट नहीं है तो सोलर लैंप इनको देंगे। और प्लान किया है हमने एक रेडियो देने का, ये रेडियो इसलिए कि हम चाहते हैं कि ये लोग, चूँकि यहाँ पर नो नेटवर्क जोन है, तो रेडियो में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संदेश होता है उसको ये सुने और उसका लाभ उठाए। तो आज हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है कि आज इस जगह जहाँ हम केवल ऑपरेशन के लिए आते हैं, आज एक सामंजस्य स्थापित करने के लिए और गाँव वालों से मिलने जुलने के लिए आ रहे हैं, और ये एक बदला सा माहौल है। धन्यवाद। इसका अनुसार पे मुझे क्या, यहाँ गांव वाले को सबको अच्छा लग रहा है कि और ऐसा होना चाहिए। सोचते थे कि पहले पुलिस लोग नहीं आती थी, उस समय हम लोग का भय लगा रहता था। और एक तो चीज़ है, यहाँ आते हैं हम लोग का भी थोड़ा हिम्मत बढ़ा हुआ लग रहा है। अभी पुलिस आपके क्षेत्र में आई है, क्या करने के लिए आई है? एक कार्यक्रम वितरण करने आई है। क्या क्या चीज़ आप लोग को मिलना है यहाँ पे? ये तो अभी बता नहीं सकेंगे, इतना जनसंख्या के अनुसार से और सामान भी कम आने का प्रभाव से मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी। मिले भी तो अच्छी बात है, नहीं भी यहाँ
नक्सलियों का गढ़ रहा हुआ करता था, अभी आपको कैसा लग रहा है? अभी तो ठीक ही लग रहा है। क्या नक्सली लोग नहीं है अभी? तो कहीं कहीं जहां भी होंगे, लेकिन ये सब से हम लोग मतलब कोई मतलब नहीं है। मैंने अभी आप लोग को डर भय नहीं लग रहा है? अभी तो कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? विनय का। हमको बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे पुलिस आई है तो। ये सिविल गांव है और सिविल स्कूल में आए हैं। स्कूल का नाम है राजकृत उत्क्रमित प्लस टू उच्च विद्यालय सिविल, और पुलिस आई है तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। गांव घर में सामान वितरण कर रहे हैं, हम लोग को पुलिस को धन्यवाद देना चाहिए सर। यहाँ पे नक्सली का मूवमेंट भी हुआ करता था पहले, अभी क्या है? अभी वो लोग यहाँ नहीं रहते हैं सर। कौन लोग नहीं रहते हैं? नक्सली लोग आए हैं, पुलिस लोग आए हैं तो हम लोग को नक्सली से डर भय नहीं है। क्या नाम है? रितु कुमारी।